हेलो, मैं अंजली गोठाने, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कच्ची हल्दी का अचार, और हल्दी के गुणों से तो हम सभी परिचित हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम हल्दी ली है, अदरक थोड़ा सा ही लगेगा, 2 इंच का टुकड़ा, 2 नींबू का रस लगेगा और मिर्ची लगेगी। तो हम हल्दी को पहले इस तरह से ऊपर का जो आउटर कवर है निकाल लेते हैं, इस तरह से इसे निकाल दीजिए। और फिर इसे इस तरह से कट करेंगे, लंबे लंबे, आपको जैसे पसंद है वैसे वैसे आप इसे कट कर लें। इस तरह से मैं सारे कर लेती हूँ। अदरक को भी हम ऐसे ही करेंगे, ऊपर का छिलका निकाल के इस तरह से इसे कर लेंगे, और मिर्ची को भी इस तरह से कट कर देंगे। 5-6 मिर्चियाँ ले लीजिए, आपको जितनी पसंद हो उतने, और नींबू का रस हम निकाल के रख देंगे। और इसे हम 2 घंटे, 1 या 2 घंटे धूप में दिखा देंगे। इससे क्या होगा, इसका मॉइस्चर जो है वो निकल जाएगा और हमारा अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मेरे पास लास्ट ईयर का अचार है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा लास्ट ईयर का अचार है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता, थोड़ा कलर डार्क हो जाता है लेकिन ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सरसों की दाल, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, बड़ी शेप, मेथी पाउडर, नमक, काला नमक और लींबू। अभी सबसे पहले हम गैस जला देते हैं, और इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे 200 ग्राम। सरसों के तेल को अच्छे से गरम करके फिर ठंडा करेंगे। ये हमने 200 ग्राम सरसों का तेल लिया है, इसको थोड़ा गरम कर लेते हैं। हम सरसों की दाल डाल के देखते हैं, थोड़ा अच्छे से हो गया है, दाल डाल दी हमने, देखिए। दाल डालने के बाद हमने सारे मसाले इसमें डाल देना है। धनिया पाउडर डाल दी है, इसकी भी थोड़ी नमी निकल जाए, थोड़ा सीख जाए। बाद में हमने नमक और काला नमक डाल दिया है, बड़ी शेप और मेथी पाउडर डाल दिया है, और अमचूर पाउडर डाल दिया है। सारे मसाले हमने डाल दिया है। ये नींबू का जो रस है उसको हम बाद में डालेंगे। अभी मिर्ची डाल देते हैं इसमें, अदरक डाल देते हैं, और ये कच्ची हल्दी डाल देते हैं, और थोड़ा इसे ठंडा कर लेते हैं, इसे अच्छे से मिला देते हैं। और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे। अभी हम इस कंटेनर में निकाल लेते हैं, बाउल में। और इसमें नींबू का रस डाल देते हैं, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही नींबू का रस डालिए आप। अभी ये अचार आराम से आप 1 साल तक खा सकते, बहुत ही अच्छा बना है, स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा है।
देखा होगा कि जो मैंने तेल गरम किया, गरम करने के बाद जब भी रूम टेम्परेचर आने से पहले थोड़ा गरम रहता है तभी हम सरसों की दाल उसमें डालते हैं, ताकि वो जले ना, जलने भी नहीं चाहिए और हमारा अचार उससे ख़राब नहीं होगा। और लास्ट में मैंने नींबू का जो रस डाला है वो ठंडा होने के बाद आप डालिए।